हेलो सीयूईटी लवर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जिस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूईटी को लेकर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली आउट कर दिया गया है। जो सीयूईटी के लिए जो अप्लाई करने का जो डेट है इसको अनाउंस कर दिया गया है। कब से आपका ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से चल रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है, मीन्स कहने का मतलब यदि आपको इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है, यानी यदि आप क्लास 12 पास है या फिर क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं या फिर क्लास 12 आपका इस बार क्लियर होने वाला है और आपको ग्रेजुएशन करना है, मीन्स अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज को करना है, और इसके लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ अगर आप फॉरवर्ड हो रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है ये सीयूईटी के थ्रू होता है। मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है इसके लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 देना है और इसके बाद आपका सीयूईटी में एडमिशन होता है। तो सीयूईटी में जो अप्लाई करने का जो डेट है इसको लेकर के लास्ट नाइट ये चीजें जारी कर दी गई है। इसको लेकर के एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट जो डेट्स है इसको सर्कुलेट कर दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे इस बार सीयूईटी में एडमिशन होगा, ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं सारी चीजों को दिखाने के लिए अभी मैं लेकर के आता हूँ एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि आपको पता है सीयूईटी को जो सीयूईटी का एग्जाम है ये कंडक्ट करती है एनटीए, मीन्स यूजीसी सीयूईटी को अप्रूवल देके रखी है। यूजीसी सीयूईटी के साथ असाइंड है कि जो एनटीए है वो एनटीए क्या करती है, सीयूईटी के लिए टेस्ट लेती है, सीयूईटी के सारे प्रोसेस को हैंडल करती है, डायरेक्टली हैंडल करती है एनटीए। और एनटीए ने अपने पोर्टल पे लास्ट टाइम देख सकते हैं, लास्ट टाइम ये एनटीए का अपडेट है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। इससे रिलेटेड ये क्या था, एक अटैचमेंट था, इससे रिलेटेड एक पीडीएफ था। क्या कहने का मतलब है, मैं मतलब को पहले आपको सिंपल से करके समझा देता हूँ, पहले मैं आपको मतलब को बता देता हूँ ताकि चीजें हम लोग अच्छे से समझ सके। तो इस बार ये जो एनटीए है ये कैसे कैसे काम करेगी इसके लेकर के बात करते हैं। सो पहले हम लोग चीजों को समझ लेते हैं पहले स्टार्टिंग दौर में। सबसे पहली बात कि ये जो जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली रन किए जाते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली रन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात की जाए तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इनमें एडमिशन का जो प्रोसेस होता है इस बार, ये पिछले कई सालों से एडमिशन का जो प्रोसेस है ये होता है सीयूईटी के थ्रू। सीयूईटी इट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मीन्स आपको एक टेस्ट देना होता है, टेस्ट में जैसा आपका रिजल्ट आता है ऑन दैट बेसिस पे आपको क्या मिलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलते हैं लाइक बीएचयू डीयू, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज है ये आपको सीयूईटी के थ्रू आपको इस बार भी मिलेगा। और ये जो सीयूईटी का एग्जाम है इसको कंडक्ट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को होता है, मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को होता है। तो इसके लिए जो ऑथराइज्ड एजेंसी है वो क्या है, एनटीए है। और एनटीए ने इसको लेकर के कल लास्ट नाइट क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन को सर्कुलेट कर दिया है कि कब तक आपका इसको लेकर के कब टेस्ट होगा, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग एनटीए के उस डायरेक्टली उस नोटिफिकेशंस को देखते हैं जिसमें एनटीए ने अनाउंस किया है कब से कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितना चार्ज देना है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इस बार कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज इस सीयूईटी में पार्टिसिपेट है, मीन्स कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन इस बार सीयूईटी के थ्रू होगा, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मैं अभी आ गया हूँ साइट पे, इस रीड मोड पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक पीडीएफ है और ये पीडीएफ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, दिस इज अ पब्लिक नोटिस एंड इस पब्लिक नोटिस को 27 फरवरी 2024 को सर्कुलेट किया गया है। और इस नोटिस में क्या क्या बात बताई गई, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि दिस इज अ ये जो सीयूईटी यूजी 2024 है जिसके लिए आपको क्या करना है, जो कि हाइब्रिड मोड में होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है एंड ऑल्सो पेन पेपर मोड में जो एग्जाम होता है, किस चीज के लिए, सीयूईटी में एडमिशन के लिए, इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है 27 फरवरी से 26 मार्च तक क्या है ये फॉर्म अप्लाई होगा। इसके साथ लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है, 26 मार्च है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शंस का। एंड किसी भी प्रकार का अगर आपका फॉल्ट हो जाता है, अगर आप करेक्शन चाहते हैं अपने एंट्रीज में, तो ये करेक्शन होंगे 28 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक। इसके साथ जो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, मीन्स आपका सीयूटी का एग्जाम किस सिटी में होगा, ये अनाउंसमेंट हो जाएगा 13 अप्रैल को, ये 30 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ये अनाउंस हो जाएगा। एंड इसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड है सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका एडमिट कार्ड है। एंड इसके लिए जो एग्जामिनेशन है, मीन्स सीयूटी के लिए जो एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा, ये आपका स्टार्ट है
15 मई टू 31 मई तक ये आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। आफ्टर दैट इसके आंसर किए आएंगे, एंड आफ्टर दैट आंसर किए आने के बाद में जो रिजल्ट है वो 30 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट फिर काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं फिर से चीजों को अगर मैं क्लैरिटी करूं तो ये जो सीयूईटी के लिए प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको प्रोसेस के तहत क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई, एंड सेकेंड स्टेप आफ्टर दैट यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन, मीन्स आपको सेकंड स्टेज में टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है, रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन होगा ऑन दैट बेसिस पे फोर्थ स्टेप में आपको ऑन दैट स्टेप पे आपको क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसेस करना, मीन्स आफ्टर द रिजल्ट आपको बताना है विच यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना, एंड ऑन दैट बेसिस पे क्या आएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट मीन्स कहने का मतलब अलॉटमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इन द अलॉटमेंट ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है। आफ्टर दैट आपको एडमिशन का फर्दर प्रोसेस करना है। सो होल द प्रोसेस टू टेक एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैन बी कंप्लीटेड इन फर्दर दीज स्टेप्स, दैट फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई, एंड फॉर द अप्लाई द process we have started from 27th February. This is the last date, with the 26th March. And after that, there are so many particular dates for the correction, for the entrance exam dates, and so many more. So in this way, we can get admission in Central University. So these are the basic steps. तो ये जो बेसिक स्टेप्स है जिसके जरिए से आपका एडमिशन होता है ये आपने समझा होगा। अब इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको लेकर के बात करेंगे। सो और ये जो सीयूईटी का एग्जाम है ये कई सारे लैंग्वेजेस में होते हैं, लाइक हिंदी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, असमीज में, असम में होते हैं, बंगालीज में होते हैं, गुजराती में होते हैं, कन्नाड़ा में, मलयालम में, मराठी में, उड़िया में, पंजाबी में, तमिलनाडु में, इसके साथ तेलुगु एंड उर्दू में। तो बहुत सारे क्या है इसके लिए है। इसके साथ आपको बता दें जो सीयूईटी का एग्जाम है वो 380 सिटीज में होगा, एंड ऑल्सो 26 सिटीज आउटसाइड द इंडिया होगा। तो अगर आपको जो आपको सेंटर्स का सिलेक्शन करना रहे, मीन्स जिस सेंटर्स पे आपको एग्जाम देने का चॉइस है सीयूईटी का, ये आप चूज भी कर सकते हैं। इसके साथ ये हो गया कि 33 लैंग्वेजेस है एंड 27 सब्जेक्ट है। अगर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट बी द स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन, मीन सीयूईटी का एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सीयूईटी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, कैसे आपका एग्जाम होगा, ये बहुत ही सिंपल वे में इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट बी द पैटर्न ऑफ एग्जाम, व्हाट बी द एग्जामिनेशन पैटर्न। सो लेट अस डिस्कस इन अ सिंपल वे, लेट अस थिंक अबाउट दैट आपको अगर टेस्ट देना है तो मान लेते हैं ये आप हैं और आपको क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी अप्लाई करने का डेट बहुत है, अप्लाई करने का डेट है, तो सारे इन्फॉर्मेशन को पहले अच्छे से एक्सप्लोर कर दीजिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, तब जाकर आप क्या कीजिएगा, फॉर्म्स को क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। तो इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझते हैं। आपको जो टेस्ट देना है उसमें आपको तो एक लैंग्वेज पेपर रखना है। क्या क्या आपको पेपर रखना है आपके टेस्ट के लिए, तो एक तो आपको लैंग्वेज पेपर रखना है, इसके साथ में आपको डोमेन पेपर रखना है, इसके साथ में आपको जनरल टेस्ट पेपर रखना है। मीन्स जो पेपर वैरायटी क्या है, ये तीन पेपर वैरायटी है। इस तरीके से देयर आर थ्री पेपर वैरायटीज फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, फॉर योर सीयूईटी एग्जाम, दैट इज लैंग्वेज पेपर, दैट इज अ डोमेन पेपर, दैट इज अ जनरल पेपर और जनरल वैरायटी। मीन्स आपको लैंग्वेज पेपर भी रखना है, मीन्स आपको जनरल टेस्ट भी आपको रखना है, ये दोनों कर सकते हैं, कंपलसरी टाइप में है। और ये जो डोमेन पेपर है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पेपर से आपको किस पेपर से अंडर ग्रेजुएट करना है, मीन्स आगे की पढ़ाई किस पेपर से करना है, अकॉर्डिंग टू दैट ये आपको डोमेन पेपर का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो ये जो डोमेन पेपर का सिलेक्शन करना है ये आप यूनिवर्सिटीज के इन्फॉर्मेशन को रख करके कीजिएगा। मीन्स अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो डीयू की क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, अगर आपको बीएचयू में लेना है तो बीएचयू के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा डोमेन पेपर रखना है, ये एक बार आप यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटीज क्लैरिटी के साथ कहती है कि भाई अगर आपको बीएससी इन फिजिक्स करना है तो विच डोमेन पेपर यू हैव टू अडॉप्ट, एंड अगर आपको करना है बीए इकोनॉमिक्स करना है, बीए हिस्ट्री करना है, बीए पॉलिटी करना है, डीयू से करना है, बीएचयू से करना है, तो ये बीएचयू वाले ये डीयू वाले क्लैरिटी के साथ बताता है कि आपको कौन सा डोमेन पेपर रखना है। तो अभी इसको लेकर के कई सारे आगे के वीडियोज आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा डोमेन पेपर रखना चाहिए, ये सब आइडिया दूंगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज पेपर है, ये जो जनरल टेस्ट है, ये आपको देना ही देना है एक तौर पर कहा जाए। एंड अगर इसको लेकर के सिंप्लिसिटी के साथ बात की जाए तो टोटल 33 लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर आपको ले लेना है। इसके साथ में टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट है, इस तरीके से कर सकते हैं। टोटल क्या है,
27th डोमेन सब्जेक्ट है, इवन से मेन सब्जेक्ट है, और एसएससी भी आपको लेना है। इसके साथ क्या है, जनरल टेस्ट पेपर देखिए लेना है। क्या कहा जाता है, देयर आर 33 लैंग्वेज एंड 27 सब्जेक्ट, ए कैंडिडेट मे चूज एनी सब्जेक्ट और एनी लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट ये एनटीए क्लैरिटी के साथ कहती है कि 33 लैंग्वेज पेपर है, 27 डोमेन पेपर है यानी सब्जेक्ट पेपर है। ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसको कौन सा पेपर लेना है, इसके लिए किसी भी प्रकार का उसको प्रेशर नहीं दिया जाता है। और ये कैसे आपको चूज करना है, तो ये आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चूज करना है। मीन्स आपको ये यूनिवर्सिटी के साइट से जाकर के क्लैरिटी कर लेना है कि अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स करना है तो कौन सा पेपर डोमेन रखना है, अगर आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है आगे चल करके तो कौन सा पेपर रखना है। Written in this statement that a candidate may choose any subject or language as desired by the applicable university. This is the most important statement. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आपको हड़बड़ा करके फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है। अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मैं आगे चल करके दूंगा, लगातार आपको वीडियो दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का हर एक पेपर का मैं बताऊंगा कि अगर आपको बी एस सी फिजिक्स करना है तो कौन कौन सा डोमेन पेपर रखना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो लैंग्वेज पेपर है, जिस लैंग्वेज पेपर में आप कंफर्टेबल है, आप हिंदी में तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लीजिए, ये आपकी मर्जी है। इसके साथ में जनरल टेस्ट तो सबको देना है। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये जो डोमेन पेपर वाला है या फिर लैंग्वेज पेपर वाला, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, एंड फ्रॉम द 50 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है इन लैंग्वेज पेपर में। अगर बात की जाए जनरल टेस्ट के पेपर में, तो 60 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आउट ऑफ द 60 यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। तो ये क्या है, बेसिक टेस्ट का क्या है, पैटर्न है, और ये कुछ स्पेशल कंडीशंस है, खैर इसको आगे के टाइम में देखेंगे। और ये जो एग्जामिनेशन है, मैंने बताया इंडिया के डिफरेंट सिटीज, इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज पे क्या होगा, इसका एग्जामिनेशन होगा। एंड ऑल्सो देखिए क्या बताया जाता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस है, व्हाट बी द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। पहली बात, ये आपको अप्लाई करने का प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन मोड है, तो आपको बस अप्लाई कर देना है घर बैठे। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, व्हाट बी द अप्लाई प्रोसेस। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मीन्स कैंडिडेट को कहा जाता है आपको मात्र वन टाइम्स में क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। देयर इज नो सबमिट ऑफ वन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एक से ज्यादा आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, सबमिट भी नहीं करना है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप भर देते हैं, किसी भी प्रकार का मिस्टेक होता है, तो करेक्शन के पर्टिकुलर डेट पर आपका क्या होगा, करेक्शन होगा। और ये जो कैंडिडेट देखिए क्या कहा जाता है, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन एट द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दैट इज https://exam.nta। मीन्स आपको अप्लाई करने से पहले पूरे डिटेल में सारे इंस्ट्रक्शंस को समझ लेना है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा डोमेन पेपर लेना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा लैंग्वेज पेपर लेना है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि एनटीए बस एक एग्जाम लेने के लिए ऑथोरिटी है, बट आपको क्या डोमेन पेपर रखना है या क्या नहीं रखना है, ये सब आइडिया जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, इट मीन्स कहने का मतलब अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो डीयू के पोर्टल से जाकर के चेक कर लेना है कि क्या डोमेन पेपर है। इसके साथ अगर आपको बीएचयू लेना है तो बीएचयू पे चेक कर लेना है, या फिर सीयूईटी यूजी 2024 का जो पोर्टल है, ये नया वाला पोर्टल है, इस पे ये सारे इन्फॉर्मेशन बताया गया। तो आगे चल करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेंगे, बस ये अप्लाई करने के टाइम में ये सारी चीजों का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड ये सारा जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, लास्ट डेट से पहले अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। देर आर सो मेनी डिफरेंट सिटीज, एंड ये जो आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का लिस्ट देख लीजिए, ये हो गया मेन डोमेन पेपर, एंड ये आपके हो गए लैंग्वेज पेपर। तो देर आर 33 लैंग्वेज पेपर, फ्रॉम दिस गिवन 33 लैंग्वेज पेपर कोई भी आप लैंग्वेज पेपर चूज कर सकते हैं। और ये जो 27 टोटल 27 डोमेन पेपर है, जिस डोमेन पेपर में अप्रोक्स वो सारे सब्जेक्ट है जो क्लास 12th में पढ़े जाते हैं, जैसे इसमें है अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बायोकेमिस्ट्री है, इसके साथ बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस है। सो देयर आर ऑल मेजर पेपर्स दैट वी स्टडीड इन द क्लास 12th। क्लास 12th में आप जितना भी पेपर पढ़ के आए, सारा स्टडी पेपर है। इसके साथ साथ में आपको जनरल टेस्ट में आपको क्या करना है, देना है। और जो स्पेशल कंडीशन है, देखिए बताया भी जाता है, लगातार ये सजेशन दिया जा रहा है कि फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको ध्यान रखना है कौन सा आपको पेपर मेजर, कौन सा आपको जो पेपर है डोमेन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म तो अपने मन से जैसे तैसे भर देते हैं, इसके बाद वो टेस्ट भी दे देते हैं, इसके बाद पता चलता है कि वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पाते हैं। इन दिस केस में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए हुए, टेस्ट दिए हुए, इसके बावजूद उनका एडमिशन डीयू और बीएचयू जैसे लोकेशंस पे नहीं हो पाता है। इसलिए आगे चल करके मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो फिलहाल में ये जो सेंट्रल ऑफ, ये जो सिटीज है जहां पे एग्जाम होगा, इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। और इसका ये ऑफिशियल जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको हमारे ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस के थ्रू ज्वाइन कर जाना है,
जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा, वो भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैनर में ये सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो आगे वाले टाइम में बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, हमारे ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जहां पे फ्रॉम दैट यू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट अबाउट द NTA and all the latest update from the CUET UG 2024. तो आगे आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं और कई सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में एंड करता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच, थैंक यू।